ऑल एट गुड मॉर्निंग बच्चों तो जो आने वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रिफ्रैक्शन uh, पे आधारित है और जो टॉपिक है वो है फाइंडिंग द अपरेंट डेप्थ एंड द एपरेंट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ डेंसर मीडियम एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द रेरर मीडियम मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो पानी के अंदर रखा हुआ है और आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको उसकी जो एपरेंट डेप्थ है वो कितनी नजर आएगी और अब आप पानी के अंदर से देख रहे हैं ऑब्जर्वर जो है पानी के अंदर है और जो ऑब्जेक्ट है दैट इज आउटसाइड तो नीचे से देखने पे ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी नजर आती है ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन माना जाता है बट इसको क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट है बिटसेट वेस्ट बंगाल जेई आई तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा इसको uh, मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ लूंगा क्वेश्चन की क्वालिटी ये है कि क्वेश्चन इज इन द केस स्टडी फॉर्मेट तो केस स्टडी के क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं और आइडिया uh, ये कि केस स्टडी के क्वेश्चन जनरली इजी होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट वही होते हैं लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सिचुएशन अलग अलग डाल देते हैं तो आइए इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ लेते हैं इट इज फ्रॉम द रे ऑप्टिक्स रिफ्रैक्शन एंड एंड वी हैव टू फाइंड द द डेप्थ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन फ्रॉम द डेंसर मीडियम एंड एज सीन फ्रॉम द रेर मीडियम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन लेट्स रीड द क्वेश्चन रिया

तो बिल्कुल सीधा देख रहे हैं देखिए आप डायरेक्टली देख रहे हैं यहां पे नीचे की तरफ इधर और उसको कॉइन जो है द कॉइन अपीयर्स रेस टू अ डेप्थ दैट इज लेस देन द एक्चुअल डेप्थ ऑफ़ द पूल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन पूल कैन बी टेकन टू बी वन पॉइंट थ्री तो रिया को जो कॉइन नजर आया जो सिक्का नजर आया आप देखिए सिक्का पड़ा हुआ है यहां पर कॉइन राइट और स्विमिंग uh, पूल की जो एक्चुअल डेप्थ है दैट इज गिवन टू बी वन पॉइंट फाइव मीटर लेकिन बिकॉज ऑफ फिनोमिन ऑफ रिफ्रैक्शन आप देखिए कॉइन से जो रेस जा रही हैं ये वाली ये सरफेस पे पहुँची रिफ्रैक्ट हुई और आपने पीछे इसको खींचा तो कॉइन अब यहाँ पे नजर आ रहा है ये रिफ्रैक्शन आप देखिए यहाँ पे हुई है ये बेंड हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो ये मीडियम डेंस है याद रखिए राइट दिस इज अ डेंसर मीडियम दिस इज अ रेरर मीडियम तो जाने में द आर मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल और ये जो है आपका कॉइन uh, जो है ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है राइट यही क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि कॉइन ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है ओके okay? और uh, पहली सिचुएशन सेकंड सिचुएशन थोड़ी अलग है अब रिया जो है जो स्विमिंग पूल के पास घूम रही थी वो अब पानी के अंदर चली जाती है ओके रिया देन गेट्स अंडर द वाटर एंड यस दिस इज द सेकंड सिनेरियो रिया जो पानी के ऊपर थी स्विमिंग पूल में अब स्विमिंग पूल के अंदर नीचे चली गई है अ फ्रेंड ऑफ हर होल्ड्स अ कॉइन डायरेक्टली अब हर आई इन द एयर अब कॉइन जो है वो बाहर चला गया है okay? ओके रिया पानी के अंदर है उल्टा कर दिया गया है सो यहां पे रिया और कॉइन जो है उसकी फ्रेंड ने यहां पे पकड़ा हुआ है द कॉइन अपीयर्स टू बी हाइट मोर देन द एक्चुअल हाइट तो देखिए जो अगर मैं बात करूं कॉइन की एक्चुअल हाइट अगर ये थी राइट right? लेकिन अब कॉइन की जो हाइट नजर आ रही है वो यहां पे नजर आ रही है अभी इसका डायग्राम हम बनाएंगे कि क्यों हाइट ज्यादा नजर आ रही है तो आप बात नोट कर लीजिए पहली बात जो एपरेंट डेप्थ है और मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं ये ओके जो एपरेंट देखिए ये दिस इज द रियल डेप्थ कॉइन की असली गहराई तो ये है लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से गहराई कम हो गई ओके So, जो एपरेंट डेप्थ होती है मतलब जो नजर आती है आंखों को एपरेंट बोलते हैं उसको इट इज लेस देन द रियल डेप्थ क्लैरिटी है उम्मीद करता हूं आपको इस बात की राइट right? कि एपरेंट डेप्थ इज लेस देन द रियल डेप्थ और जो हाइट है अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे पार्ट टू में देन द एपरेंट हाइट सिक्का ऊंचा नजर आता है सिक्का अगर यहां पे था तो यहां नजर आता है राइट right? सो so, इसको मैं एच डैश नाम रख लेता हूं इसका और इसका मैं नाम रख लेता हूं डी डैश सो देंट हाइट इज ग्रेटर देन द रियल हाइट सिक्का यहां पे है ये रियल हाइट है और ये एपरेंट हाइट है राइट रियल हाइट से ज्यादा तो सिक्का कम गहरा नजर आता है अगर पानी के अंदर हो और पानी के बाहर हो और हम यहां से उसको देखें नीचे से स्विमिंग ये पानी है यहां पे देखिए तो ऊंचा नजर आता है ज्यादा हाइट पे नजर आता है राइट तो ये वाला जो सिचुएशन है वो ये वाला है इसका डायग्राम पूरा बनाएंगे हम और ये वाली सिचुएशन यहां पर है ओके केस स्टडी है तो केस स्टडी में दे विल गिव यू साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो क्या रहा है इन बोथ द केसेस द वर्चुअल इमेज वर्चुअल इमेज क्यों है क्योंकि देखिए डॉट 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 करके ये पीछे की तरफ लाइन खींची गई है जब रिफ्रैक्ट हो गई और उसको पीछे की तरफ कर दी इस फॉर्म ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट एट द वॉटर एयर इंटरफेस ओके ओके okay. ओके, okay, तो वर्चुअल इमेज बनती है राइट आगे पढ़ लेते हैं जरा मैंने आपको ये इन लार्ज व्यू दिखाया है टू शो यू की वर्चुअल इमेज है राइट सो so, देखिए ये डॉट 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 करके पीछे बन रही है राइट सो दिस इज द वर्चुअल इमेज कॉइन यहां पे, रिफ्रैक्शन यहां पे हुई रियल रेस तो ऐसे जा रही है और यहां पे रिफ्रैक्शन हुई तो हमने डॉट 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 करके पीछे तो इट्स अ वर्चुअल इमेज ये भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए ओके okay? आगे बढ़ते हैं इन बोथ द केसेस द वर्चुअल इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन बिल्कुल रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है द बेंडिंग ऑफ द लाइट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल डिटर इमेज फॉर्म एट दिफ्रैक्शन की वजह से और जो एपरेंट हाइट है वो बढ़ गई है इसने खुद एक्सप्लेन कर दिया इसके अंदर राइट क्वेश्चन नंबर वन सो यह बेसिकली एक तरह से रीजनिंग दी गई है जो केस स्टडी में आम बात है और खुद बता रहा है कि बेंडिंग ऑफ द लाइट की वजह से अपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट का कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टेट द फॉर्मूला रिया कैन यूज टू फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द कॉइन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पूल पहला सवाल है कि जो सिक्का है जो जिसकी हाइट एपरेंट डेप्थ अब कम हो गई है तो वो जो है This is the apparent depth of the coin, right? So this is the apparent uh, depth. This is the apparent depth. और uh, हमें formula बताना है कि क्या use करेंगे इसके अंदर, right? तो मैं आपको बता देता हूँ formula क्या है. Apparent depth, okay? We are doing part number A, okay? Part number A कर रहे हैं. मैं पहले इसको थोड़ी सी अपनी image को ही थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे पढ़ने में आसानी हो आप लोगों को ओके सो लेट्स डू इट फॉर्मूला इज द एपरेंट डेप्थ एंड आई एम डूइंग पार्ट ए मैं पार्ट ए कर रहा हूं एपरेंट डेप्थ सिक्का जो है उसकी गहराई कितनी नजर आती है एपरेंट असली गहराई तो इतनी है राइट इज गिवन बाय रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वॉटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ये फॉर्मूला होता है राइट right? और आपको मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर इज ग्रेटर देन वन तो अगर आप रियल डेप्थ को ग्रेटर देन वन से डिवाइड करेंगे तो कमी आएगा आंसर राइट पार्ट ए पार्ट बी फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द कॉइन

is equal to 15 by 13. I hope this is making sense. उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब C part में बोला गया और this is obviously in meters. अगर आप इसे calculate कर लो, मैं calculate कर लेता हूँ 15 बटा 13. 13 ones are 13. 2 0 1.1 13 70 13 5s are 65, right? So 1.15. वन पॉइंट वन फाइव मीटर दिस इज देखिए रियल डेप थी डेढ़ मीटर लेकिन सिक्का जो है सिर्फ करीब करीब 1.5 पॉइंट फाइव मीटर है सो दिस सिक्का जो यहां पड़ा हुआ है दैट इज दिस इज वन पॉइंट वन फाइव मीटर यहां से यहां तक सरफेस से लेके तो इतना ही गहरा नजर आएगा कम गहरा नजर आएगा मतलब सी पार्ट पे चलते हैं ओके लेट्स गो टू द सी पार्ट मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं जिससे कि पढ़ने में थोड़ी हमें आसानी हो फाइंड द ओके इफ द वॉटर इन द पूल गेट्स पॉल्यूटेड अगर पानी गंदा हो जाए विद एन लिक्विड देयर बाय डिक्रीजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉट विल बी द इफेक्ट ऑन द एपर डेप्थ ऑफ द कॉइन प्लेस्ड एस प्लेस्ड इन वाटर एस सीन अब हुआ क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट थ्री नहीं रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो घट गया क्योंकि पानी गंदा हो गया तो जो एपर डेप्थ होगी ओके विद द विदर डेप्थ का देखिए फॉर्मूला क्या है रियल डेप्थ मतलब जो स्विमिंग पूल की गहराई है जहां सिक्का बिल्कुल नीचे नजर आता है ये रहा सिक्का ये असली गहराई है डेढ़ मीटर की डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम राइट right? तो जो मीडियम है अब मीडियम आपका गंदा हो गया देखिए राइट right? तो कम हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मैं इसके नीचे म्यू लिख देता हूं तो रियल डेप्थ तो चेंज नहीं होगी जो स्विमिंग पूल की गहराई है वो तो वही रहेगी सो एपरेंट डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू राइट इफ म्यू रिड्यूसेस अगर म्यू रिड्यूस हो जाएगा तो व्हाट विल डेप्थ विल इनक्रीज गहरा नजर आएगा मतलब सिक्का जो यहां पे था वो नीचे आ जाएगा और थोड़ा सा और गहरा नजर आएगा राइट मे बी देंट जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3 था मान लीजिए वो गंदा होने के बाद पोल्यूशन होने की वजह से दैट बिकम्स 1.1 पॉइंट वन राइट ऊपर तो, तो आपका देखो न्यूमरेटर में 1.5 है, नीचे 1.1 लिख देता हूं मैं, क्योंकि गंदा हो गया पानी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया so, तो सिक्का जो यहां पे नजर आता योर आंसर ओके अब आया क्वेश्चन नंबर डी रेप्रेजेंट द रे डायग्राम फॉर द सेकेंड केस वेन रिया लुक्स एट द कॉइन इन एयर फ्रॉम इनसाइड द वॉटर ये वाली सिचुएशन का अब रिया पानी के अंदर चली गई है स्विमिंग पूल के नीचे और ऊपर देख रही है कि जो कॉइन है वो एयर के अंदर है लेकिन उसकी एक्चुअल हाइट कितनी नजर आती है अभी हमें लगाना रिफ्रेक्शन ही है लेकिन इस डायग्राम जो क्वेश्चन के अंदर डायग्राम दिया हुआ था उसके अंदर कॉइन बाहर है और रिया सॉरी uh, कॉइन अंदर है और रिया बाहर है अब हम रिया को अंदर रख लेंगे और कॉइन को बाहर रखेंगे और देखेंगे कॉइन की जो हाइट है वो रिया को स्विमिंग पूल से देखने में ऊंची नजर आती है या कॉइन नीचे आ जाता है एयर के अंदर है कॉइन राइट एंड रिया इज इन साइड द अब इसका डायग्राम बनाते हैं देखिए मैं आपको डायग्राम बनाता हूं मुझे मालूम है क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बहुत इजीली दिया भी हुआ है कि सब रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है अब देखिए यहां पे रिया है और ये कॉइन है राइट right? कॉइन से देखिए रेज ऑफ लाइट आएंगी और रेज ऑफ लाइट जब कॉइन uh, से निकल के आएंगी तो दे विल रिफ्रैक्ट ऑब्वियसली राइट तो हम अब देखते हैं कि रेज ऑफ लाइट निकल के कैसे आती हैं तो मैं कॉइन को एक पॉइंट मान लेता हूं ये मेरी एक रे ऑफ लाइट आई ये मेरी दूसरी रे ऑफ लाइट आई ये देखिए ये रेरर मीडियम है अब ये कॉइन है यहां पे दिस इज योर कॉइन और रिया की आंखें यहां पे अच्छा आप एयर से वाटर के अंदर जा रहे हैं एयर से वाटर के अंदर जा रहे हैं राइट तो क्या होगा आपकी जो बेंडिंग है इट विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल ये आपकी बेंडिंग हो गई यहां पे भी आपकी बेंडिंग हो गई और अब मैं इस बेंड लाइट को पीछे की तरफ डॉट 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 खींचता हूं इसका राइट आई विल इट डॉट 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 और इसको भी मैं खींचता हूं डॉट 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 तो आप देखो डॉट डॉट करने से कॉइन जो है ये सरफेस था हमारा ये हमारी रे ऑफ लाइट गई ये टूवर्ड्स था नॉर्मल गई रिफ्रेक्शन की वजह से केस स्टडी में भी दिया हुआ है मैंने डॉट डॉट आपको दिख रहा है कॉइन की अगर एयर में हाइट एच थी तो अब कॉइन की हाइट हो गई एच डैश बढ़ गई डायग्राम बना लिया हमने सो so, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एपरेंट हाइट ये एप्रेंट हाइट है एच डैश जो लगती है राइट और ये रियल हाइट है एच एप्रेंट हाइट इज ग्रेटर देन रियल हाइट कॉइन जो है एयर में ऊपर चला जाता है ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है लेकिन मेरे चैनल का मकसद एक्सप्लेनेशन है इसको हमेशा के लिए याद रख लीजिए किसी भी एग्जाम में नीट के बिटसेट में जेई मेंस में बोर्ड में स्टेट बोर्ड में ICAR में तमिलनाडु तेलंगाना का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है कहीं पे भी ये पूछा जा सकता है आपसे राइट इसके अलग अलग मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है रे ऑप्टिक्स की उसके अंदर मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करे हुए हैं एक मिलता जुलता क्वेश्चन भी मैंने अभी रिसेंटली सॉल्व करा था उसे भी आप देख लें ऑल पार्ट ई फाइंड द एपरेंट हाइट ऑफ द कॉइन फ्रॉम द वॉटर सरफेस as seen by the underwater when the coin is in the air at a height of 1.5 meter. अब पूछ रहे हैं कि भैया बताओ ये जो apparent height है ये कितनी है अब देखिए apparent height का formula क्या होता है जैसे कि apparent depth का formula होता है apparent height अब मैं part E कर रहा हूं देखिए ये part D मैंने diagram बना लिया apparent height is equal to real height मल्टीप्लाई बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम अब रियल हाइट कितनी है वन पॉइंट फाइव मीटर दिया वन पॉइंट फाइव और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना था वन पॉइंट थ्री इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए सो दिस विल बिकम अराउंड वन पॉइंट नाइन फाइव मीटर तो यह जो सिक्का अगर डेढ़ मीटर पे था हाइट पे आपको जो हाइट नजर आएगी दैट विल बी 1.95 मीटर्स ऊंचा हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अलग अलग फॉर्म्स के अंदर एपरेंट हाइट एपरेंट डेप्थ इसको प्लीज प्रैक्टिस करके जाएं मैंने अपनी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करे हुए एंड गिवन गुड एक्सप्लेनेशन आल्सो आपको आंसर मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी कैसे इसको यूज करना है तो उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी हो गई है कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है फॉर्मुला बहुत ध्यान से याद करके जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड होगा हाइट निकालने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल हाइट के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एपरेंट हाइट को बढ़ाना है और एपरेंट डेप्थ को घटाना है घटाने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोमिनेटर में बढ़ाने के लिए एपरेंट हाइट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए डोंट फॉरगेट टू वॉच माई प्ले लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी समझ में आई सिंपल भाषा में थी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वेट करें अगले वीडियो का लगातार इस चैनल को देखते रहें आने वाले टाइम में मैं जैसे जैसे नीट का एग्जाम है उसके क्वेश्चन भी अब इंट्रोड्यूस करूंगा ऑलरेडी मैंने बहुत सारे नीट के क्वेश्चन सोल्व करे हुए और ये क्वेश्चन भी काम आएंगे आप में नीट में जेई मेन्स के अंदर हर जगह पे फिजिक्स चेंज नहीं हो जाती मैं सिर्फ उसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं कि किसी भी सिचुएशन में अगर आप हैं तो आपको पॉइंट याद रह जाए राइट सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स हर टाइप के क्वेश्चन इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे तो थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल